लगता है स्ट्रीट इजन मेन स्विच ऑन करना ही भूल गया। हाँ यार, यहाँ अंधेरा है, चल अपनी टॉर्च ऑन कर लेते हैं। कितना अंधेरा है यहाँ। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। अब इतने बड़े घर में स्विच कहाँ मिलेगा यार? ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है। लेट्स फाइंड इट ना। Thank you.
लगता है संजना, यहाँ तो कोई नहीं है। रिलैक्स, तेरा वहम होगा, यहाँ कोई नहीं है, तो चल, नहीं। तो चल मेरे साथ। रिलैक्स, चल, कुछ नहीं है, बोल रही हूँ ना। आजादी वाली फीलिंग हो रही है ना। आई नो, हॉस्टल के उस डिसिप्लिन ने ना गुलाम बना के रख दिया था, ये मत करो वो मत करो। आई मीन डा यार, तभी तो ये घर रेंट पे लिया है ना, ताकि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, अब जो चाहे वो करो। रियली यार, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमें इतना बड़ा घर इतने कम रेंट में मिल गया। मैंने सुना है ये घर किसी फेमस साइंटिस्ट का था, वो विक्रम का घर था ये। हाँ, एजेंट बता रहा था कि जब से उसकी डेथ हुई है ना, यहाँ रेंट पे कोई नहीं आया। इमेजिन, वी आर द फर्स्ट वंस एंड द लकी वंस। और हम अपनी आजादी का जश्न हाउस वार्मिंग पार्टी करके सेलिब्रेट करेंगे। यस, वी हैव टू थ्रो वन हाउस वार्मिंग, राइट? कूल। यस। और उस पार्टी में ना हम अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे। हाँ, और हमें कॉलेज के सबसे गुड लुकिंग हैंडसम हंक सिद्धार्थ को भी बुलाना चाहिए, क्यों संजना? तू कभी बाज नहीं आती है ना, यू नेवर स्टॉप। वैसे ना हमें और भी लोगों को बुलाना चाहिए, राइट? जैसे कि सोनिया, राहुल, अजय और आन्या। व्हाट हैपेंड? Oh, I am really sorry. मुझे तो इन लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहिए था, right? आन्या का मन नहीं था उस दिन आने का, लेकिन मेरे कहने पर वो आई। पता नहीं कैसे उस दिन मेरी घड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रहा आन्या। What? और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। Do something यार। Easy, संभाल के। आन्या, हमें कूदना पड़ेगा। हमें नीचे कूदना पड़ेगा। चलो अपनी सीट बेल्ट खोलो। आन्या अपनी सीट बेल्ट खोलो। आन्या हमें कूदना पड़ेगा। कैसे भी करके हमें कूदना पड़ेगा। आन्या अपनी सीट बेल्ट खोलो। संजना, मेरी सीट बेल्ट नहीं खुल रही। आन्या। मर गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। उसका तो मन में नहीं था आने का। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। मेरी वजह से मरी है वो। Calm down, संजना, तुम सर्वाइवल गिल्ट की शिकार हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच गई और तुमने अपने फ्रेंड की जान नहीं बचाई, और उसकी मौत के लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मानती हो, जो कि तुम नहीं हो। इट वॉज द सिचुएशन, और वो एक बस भयानक एक्सीडेंट था, और इसके लिए तुम खुद को ब्लेम करना छोड़ दो संजना। डोंट वरी, आई हेल्प यू ऑन दैट। और फिर रेगुलर काउंसलिंग सेशन से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू प्लीज डोंट वरी। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा यार। ये है क्या? ये टीवी, ये डिवाइस चल नहीं रहा है। ये देख ना, ये बल्ब और ये इतने सारे स्विच। आई थिंक ये ना एक साइंटिफिक टीवी है।
ये कुछ वायर्स अजीब नहीं लग रहे? क्या हुआ? मुझे इसमें से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ओह नो। नहीं पूजा, सच में कुछ अजीब सी आवाज आई इसमें से। ओके ओके रिलैक्स, लेट मी सी। ओके कुछ भी तो नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है रिया, इट्स परफेक्टली फाइन। तुम्हें भी ना संजना की तरह वहम हो गया है। ये टीवी। संजना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए ना, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये टीवी कहाँ से आया और ये सब क्या है? वो साइंटिस्ट की लैब में था, वहीं से लेके आए। काम कर रहा है? नहीं, कब से इस खटारों को चलाने की कोशिश कर रही हो, काम ही नहीं कर रहा। एक काम करो, तुम इसे चलाने की कोशिश करो, हम दोनों किचन में जाके पास्ता बनाते हैं, ठीक है? चलो लेट्स गो। रिलैक्स, कुछ नहीं था। बंद है संजना। टीवी बंद है, डिवाइस भी बंद है, कोई भी नहीं है वहाँ। मैंने, ये तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। देखो रिलैक्स संजना। संजना रिलैक्स, रूम में चल के रेस्ट करते हैं। ओके कम कम बाबा। लो संजना, ये तुम्हारा फेवरेट कलर, ये लो। पता है संजना, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्यों? संजना सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना आके, क्यों सिद्धार्थ? बिल्कुल। हाँ
हंसो ना मेरे लिए। और वैसे भी हाउस वार्मिंग पार्टी भी देनी है तुम्हें स्पेशल, और प्लान करना है रिया को। अरे खाओ ना, तुम्हारा फेवरेट कलर है येलो। हाँ सिद्धार्थ, अरे रिया को भी बोल दो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नहीं बस ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए ड्राइव पे आई थी। आई एम ओके बाबा, ओके बाय। मुझे छोड़ के मत जाओ संजना। संजना मेरा सीट बेल्ट नहीं खुल रहा। संजना मेरी मदद करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा सीट बेल्ट नहीं खुल रहा संजना, प्लीज मेरी मदद करो। संजना मेरा सीट बेल्ट नहीं खुल रहा। तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कल रात कार में अन्या ही थी और वो कह रही थी कि उसकी मौत का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से उसकी मौत हुई है, मैंने उसको मारा है। ओके ओके संजना, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, यू टेक केयर। थैंक यू।
संजना। डॉक्टर, संजना को हुआ क्या है? पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। देखो सिद्धार्थ, संजना की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अपने गिल्ट की वजह से उसे ये लगने लगा है कि आन्या का घोस्ट उसे दिखाई देने लगा है। मेरी बात मानो तो जल्द से जल्द उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके उन्हें यहाँ बुला लो। लेकिन संजना के पेरेंट्स तो अब्रॉड रहते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं रिया को बोल देता हूँ, वो उनको बुलवा लेगी। गुड। अच्छा, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, उन्हें मंगवा लेना और कल संजना को मैं वापस देखने आऊंगी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। रिलैक्स सिद्धार्थ। पूजा, आई गेस हमें हाउस वार्मिंग पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। संजना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, तुम मेरी वजह से पार्टी कैंसिल मत करो। मैं मेडिसिन ले लूंगी और अपने रूम में रेस्ट कर लूंगी। संजना, तुम्हारे बिना हमारा पार्टी करने का मन नहीं है। राइट। वैसे एक बार तुम ठीक हो जाओ, पार्टी हम बाद में कर लेंगे। आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट। ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो। संजना, तुम आराम करो। सॉरी यार। हाँ, नेक्स्ट टाइम पार्टी पक्का करेंगे, ठीक है? प्लीज डोंट माइंड। बाय। मैंने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि पार्टी कैंसिल है। मेरी संजना के पेरेंट्स से बात तो नहीं हो पाई, पर मैंने उन्हें अर्जेंट मैसेज छुड़वा दिया कि वो जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। एनीवेज गाइस, मैं कुछ पीने के लिए जा रही हूँ। यू गाइस वांट एनीथिंग? श्योर। काश मैं संजना की हेल्प कर पाता। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। आई नो। कौन है? संजना, तुम ठीक हो? राइट को फोन लगाओ जल्दी। क्या हुआ तुम्हें संजना? संजना क्या हो गया तुम्हें? अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने संजना को इंजेक्शन दे दिया है, अब आप उसे सोने दीजिए। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। सिद्धार्थ, ये सारी परेशानियां तब से शुरू हुई है जब से हमने इस घर में शिफ्ट किया है। के बाद एक ये सब जो हो रहा है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम लोगों को ये घर अभी के अभी खाली कर देना चाहिए।
इतनी जल्दी हम जाएंगे कहाँ? डोंट वरी, मैं टेम्पररी रहने का कोई इंतजाम करता हूँ। मार डाला इसे, जान ले ली इसकी भी। संजना, संजना, तुमने अपने दोस्त को मार डाला, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। इसे भी तुमने मारा है, तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी मर। पूजा, संजना, संजना, पूजा, संजना, पूजा, संजना। देखिए, संजना की रिपोर्ट्स में मेडिकली कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन संजना कोमा में चली गई है और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। शी इज सिंकिंग, आई एम सॉरी, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। पहले पूजा चली गई और अब संजना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। संजना को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उसे मरने नहीं दूंगा। कुछ कुछ समझ में तो आए, आखिर आखिर संजना को हुआ क्या है? मुझे लग रहा है संजना के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें उस टीवी और उससे जुड़ी डिवाइस का कुछ लेना देना है। यू आर राइट रिया, जो तुमने मुझे बताया था उससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस टीवी की वजह से हो रहा है। चल मेरे साथ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये तो संजना की आवाज है। संजना तो हॉस्पिटल में है ना, उसकी आवाज यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे बचा लो, बचा लो, मुझे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। संजना, 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 मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो, मुझे, मुझे बचा लो। संजना, बचा लो। सिद्धार्थ, मुझे बचा लो। आवाज यहाँ से आ रही है। संजना, 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 संजना की बॉडी हॉस्पिटल में भी है और यहाँ भी। इसका मतलब संजना की आत्मा इस टीवी में कैद है, इसलिए वो कोमा में है। हम इसे कैसे निकालेंगे सिद्धार्थ? वही तो सोच रहा हूँ। रिया, रिया, ये टीवी और ये डिवाइस तुम्हें कहाँ मिले थे? साइंटिस्ट की लैब से। साइंटिस्ट की लैब? यहाँ पे था वो टीवी। कुछ तो यहाँ जरूर होगा जिससे हम इस डिवाइस के बारे में पता लगा सके। ढूंढो। मुझे यहाँ ही प्रोजेक्टर मिला।
ये एक्सपेरिमेंट मेरा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। मैंने एक ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया है जिससे मैं मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मरी हुई पत्नी को जिंदा करना है। हाँ, मेरी पत्नी को मुझे जिंदा करना है, और ये काम मैं करके रहूंगा। एंड आई विल डू इट। आज 57वां दिन है और आखिरकार मैंने ये डिवाइस तैयार कर लिया है। अब मैं अपनी मरी हुई पत्नी से बात करूंगा और उसे वापस लाऊंगा अपने पास। धुआं कैसे निकला? विक्रम, मैं दूसरी दुनिया में कैद हो चुकी हूँ। अंजलि, अंजलि! विक्रम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विक्रम, मेरी मदद करो। अंजलि, तुम चिंता मत करो। अंजलि, तुम चिंता मत करो। अंजलि, मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। अंजलि, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पा रहा हूँ। अंजलि चली गई। अंजलि, देखो, मैंने इस औरत को मार डाला है। इस औरत को मार डाला है ताकि तुम आसानी से इसके जीवन में आ सको। आओ अंजलि, अंजलि आओ, इसके शरीर में दाखिल हो जाओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। विक्रम, विक्रम, बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। विक्रम, अंजलि, अंजलि आओ, अंजलि आओ, बाहर निकालो। विक्रम, मुझे बाहर निकालो। ये डिवाइस काम क्यों नहीं कर रहा है? जानती हो अंजलि, आज 81 दिन पूरे हो गए हैं और अब मेरी समझ में आया है कि उस दिन ये डिवाइस क्यों नहीं काम कर रहा था। जानती हो अंजलि, जब कोई औरत अपने मानसिक और शारीरिक रूप से जीने की इच्छा छोड़ देती है और अपनी मौत को खुद मांगती है, उस दिन उस औरत के शरीर में तुम आसानी से प्रवेश कर पाओगे। मैं कोई ऐसी लड़की जरूर ढूंढ निकालूंगा जो लड़की के शरीर में तुम आसानी से प्रवेश कर सकोगी। तुम चिंता मत करना। मैं कोई ना कोई ढूंढ निकालूंगा। अब बात समझ में आई। संजना आन्या की मौत को लेके ऑलरेडी ट्रॉमा में थी, इसीलिए उसे आन्या का भूत दिखाया जाता था ताकि वो टूट जाए, ताकि संजना को मारकर वो अपनी बीवी को वापस पा सके। पर हम संजना को बचाने के लिए क्या करेंगे? संजना को बचाने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। हमें इसके अंदर जाना होगा। एक बार फिर से सोच लो सिद्धार्थ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं रिया, मैं संजना को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं संजना से बहुत प्यार करता हूं।
संजना 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 संजना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें अभी क्या अभी यहाँ से निकलना होगा, चलो। अरे उनका टेंशन मत लो, चलो यहाँ से, चलो। छोड़कर इस दुनिया में कदम रखा है। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपनाऊंगा, दोबारा जिंदा होऊंगा और तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करूंगा। तुम नहीं बच पाओगे। जैसे ही संजना का शरीर मर जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी, हम दोनों फिर से जिंदा हो जाएंगे। संजना संजना तुम लोग भागो यहाँ से, मैं देखता हूँ। मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, तो भागो। Yeah!
सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ, तुमने अपनी सजना और मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी सिद्धार्थ, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.